मानसून में संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इस दौरान बाहर का जंक फूड और तला भुना खाने से पेट से जुड़े रोग होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। दूषित पानी और खाने के कारण लोगों को बुखार, उल्टी, दस्त होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बासी खाना भी इन्फेक्शन की एक बड़ी वजह बन सकता है। मानसून के समय दूषित पानी और खाने के कारण हैजा की समस्या होना एक आम बात है। हैजा में व्यक्ति को दस्त होते हैं। अगर इस स्थिति का समय से इलाज ना किया जाए तो मरीज को डिहाइड्रेशन के कारण कई और गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आपको बताते हैं हैजा क्यों होता है। दरअसल हैजा होने की समस्या तब होती है जब व्यक्ति को गलती से विब्रियो कॉलरे बैक्टीरिया से दूषित खाने या पानी का सेवन कर लेते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक विब्रियो कॉलरे आपके खाने या पानी के दौरान पेट में जाकर छोटी आंतों में तरल का स्राव करता है, जिससे मरीज को गंभीर रूप से दस्त और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। ये समस्या कई बार इतनी गंभीर हो जाती है जिसकी वजह से ये मरीज की जान पर भी बनाती है। विब्रियो कॉलरे बैक्टीरिया से संक्रमित व्यक्ति के मल के दूषित होने से ये समस्या फैलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूषित पानी पीने की वजह से हैजा हो सकता है। हैजा के बैक्टीरिया से संक्रमित होने के बाद करीब 10% लोगों को 12 घंटे से 5 दिनों के अंदर जो गंभीर लक्षण महसूस होते हैं वो है दस्त, मांसपेशियों में ऐठन होना, पेशाब कम आना, प्यास अधिक लगना, उल्टी होना, कमजोरी, थकान, बेचैनी और चिड़चिड़ापन। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।